वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिल्मी माइंस में। तो लीजिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए हॉलीवुड की 10 बेहतरीन मूवीज लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। और ये सारी की सारी मूवीज आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी मूवीज में से आपके लिए कौन सी मूवी बेस्ट रहेगी, यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मूवीज यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती है, जिस वजह से ये मूवीज यूट्यूब से कभी भी रिमूव हो सकती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप इन मूवीज को एंजॉय कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ताकि आपके लिए ऐसी बेहतरीन मूवीज लाने का मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट में 10th नंबर पर आती 2006 में आई हॉरर पर बेस्ड मूवी दी ब्रीड। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी जॉन और मैट की, जो कि अपने दोस्तों के साथ एक आइलैंड पर घूमने के लिए जाते हैं, और वहां पर वो लोग खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब वहां पर उनके ऊपर कुछ ऐसे डॉग्स के ब्रीड अटैक कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, और लोगों को मारने के लिए ही उनकी ब्रीड को तैयार किया गया था। तो दोस्तों, अब आगे इन लोगों के साथ क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। लिस्ट में 9th नंबर पर आती 2001 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी 13 घोस्ट। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी आर्थर की, जो कि फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम में होता है, और रिसेंटली उसे ये पता चलता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है, जिसके बाद उन्होंने अपना घर उसके नाम कर दिया है, जिसके बाद वो वहाँ पर रहने के लिए जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब वहाँ पर उसका सामना हो जाता है कुछ भूतों से, जिन्हें उसके अंकल ने ही कैद करके रखा होता है, और अब एक एक करके ये सारे के सारे भूत आजाद हो गए हैं, जिसकी वजह से इन सभी की जान खतरे में पड़ चुकी है। तो दोस्तों, अब ये लोग अपनी जान कैसे बचाते हैं, और आखिर इसके अंकल ने इन भूतों को क्यों कैद किया था, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में 8th नंबर पर आती 2010 में हॉरर फैंटेसी पर बेस्ड मूवी दी वॉल्फ मैन। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी लॉरेंस की, जिसके भाई की किसी ने हत्या कर दी होती है, जिसके बाद वो अपने होम टाउन लौटता है और अपने भाई के कातिलों को पकड़ने का फैसला करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब उसे अपने भाई के कातिलों का पता लगाते वक्त कुछ रहस्यमय चीजों का पता चलता है। तो दोस्तों, अब वो बातें क्या होती है और आखिर उसके भाई को किसने मारा है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में 7th नंबर पर आती 2016 में फैंटेसी एडवेंचर पर बेस्ड मूवी अलाइस थ्रू दी लुकिंग ग्लास। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कुछ दोस्तों की, जो कि अलाइस की मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि अलाइस के पीछे रेड क्वीन नाम की एक चुड़ैल पड़ी होती है, जो कि अलाइस को किसी भी तरह से मारना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अब ये सारे दोस्त मिलकर के अलाइस को बचा पाते हैं या फिर नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। तो मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली, और साथ ही मूवी में काफी सारी एडवेंचरस चीजें दिखाई गई है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 6th नंबर पर आती 2010 में एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड मूवी टेकर्स। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक रॉबर्स के ग्रुप की, जिन्होंने एक बैंक में बहुत बड़ी चोरी सक्सेसफुली कर ली होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब एक डिटेक्टिव उन सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और किसी भी तरह से उन सभी को पकड़ना चाहता है। तो दोस्तों, अब आखिर ये लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में 5th नंबर पर आती 2022 में हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड मूवी स्क्रीम। और ये स्क्रीम सीरीज का 5th पार्ट है, और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी कुछ टीनेजर बच्चों की, जिनके पीछे एक घोस्ट मास्क पहना हुआ सीरियल किलर पड़ जाता है, और अब वो किसी भी तरह से इन लोगों को मारना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब वो सीरियल किलर है कौन और आखिर इन लोगों को क्यों मारना चाहता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप नई मूवीज और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिस्ट में 4th नंबर पर आती 2015 में एक कॉमेडी पर बेस्ड मूवी टेड 2। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी एक जिंदा टेडी बियर की, जिसका नाम होता है टेड, जो कि इंसानों के साथ ही रहता है और टैमी लिम नाम की एक लड़की को अपनी वाइफ मानता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब वो टेडी बियर लिन के साथ एक बेबी प्लान करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली, और साथ ही मूवी में काफी कमाल की कॉमेडी भी दिखाई गई, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। Ask
लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती है 2004 में एक्शन फैंटेसी पर बेस्ड मूवी हेल बॉय। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी हेल बॉय नाम के एक मॉन्स्टर की, जो कि अर्थ पर इंसानों के साथ ही रहता है और अर्थ को दूसरे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब हेल बॉय का एक पुराना दुश्मन उसे बदला लेने के लिए वापस लौट आता है, जिसके बाद अब हेल बॉय उसे अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे रोकता है और आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है 2017 में एक्शन साइफाई पर बेस्ड मूवी थॉर रैग्नारोक। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला की, जो कि थॉर की बहन होती है और एसगार्ड पर राज करने के लिए वापस आ गई होती है, जिसके बाद वो थॉर का हथौड़ा तोड़कर उसे हरा देती है और साथ ही साथ एसगार्ड पर कब्जा भी कर लेती है, जिसके बाद अब आगे इस मूवी में क्या होता है और थॉर हेला को कैसे हराता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती है 2018 में एक्शन एनिमेशन पर बेस्ड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। और इस मूवी में आपको स्टोरी देखने को मिलेगी माइल्स की, जिसे एक स्पाइडर काटने के बाद से उसमें कुछ सुपर पावर्स आ जाती हैं और फिर वो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की हेल्प करने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब यूनिवर्स पर एक बहुत ही खतरा मंडरा रहा होता है, जिसके बाद वो अलग अलग यूनिवर्स से आए हुए स्पाइडरमैन के साथ मिलकर इस पूरे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अब ऐसे में आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और बेहतरीन मूवीज के साथ।